तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा आशीष चंचलानी मार्वल के ब्रांड एम्बेसडर है और मार्वल के हर एक मूवी को आशीष चंचलानी प्रमोट करते हैं। जैसे पिछली बार आशीष चंचलानी ने मार्वल इटर्नल्स को भुवन बाम के साथ मिलकर प्रमोट किया था, वैसे ही इस बार भी मार्वल की न्यू मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम को आशीष चंचलानी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आशीष चंचलानी को मार्वल की ओर से सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम प्रीमियर देखने का इनविटेशन मिला और वो भी इस मूवी के सारे कास्ट के साथ। कितना मजा आया होगा। उस समय आशीष चंचलानी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, एंड आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट सॉ अ स्पाइडरमैन फिल्म इन यूनाइटेड स्टेट्स विद द स्टार्स एट द रेड कार्पेट। तुम सोचो ये कितनी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे मौका मिला था। बचपन में मैं अपने डैड को बोलता था कि मुझे स्पाइडरमैन की पिक्चर जल्दी दिखा दो, क्योंकि पापा का थिएटर होता था, या मुझे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम ला के दे दो, ऑल्दो मैं फिट नहीं होऊंगा। बट मेरे लिए इतनी बड़ी बात है ना गाइस, मेरा जो ये मार्वल की तरफ, तुम लोग बोलते हो ना क्या इतना आशीष पागल है मार्वल की तरफ, मेरा जो ये प्यार है ना, इट वॉज ऑल स्टार्टेड बाय स्पाइडरमैन मूवीज। एंड आज जबरदस्त मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया। आई वॉन्ट टू थैंक यू फैंस फॉर दिस। और गाइस मैं आपको इस मूवी से जुड़ी एक सनसनी न्यूज बताऊं। आपने बहुत से पोस्टर या ट्रेलर में जरूर देखा होगा कि इस मूवी में टाइम पोर्टल से सारे विलन वापस आ जाते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, टाइम पोर्टल से सिर्फ पुराने विलन ही वापस आते हैं, जिस वजह से ये मूवी फुल्ली एक्शन से भरी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और इस मूवी को देखो। रुको रुको देख लेना मूवी, पहले चैनल सब्सक्राइब तो करो।